दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये कड़ी प्लांट है और इसको घर पर उगाना, गमले में उगाना बहुत आसान है, लेकिन आप कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब ये बारिश का मौसम है, ये कड़ी पत्ता लगाना इसको लगाने का बेस्ट टाइम है। आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप बारिश के मौसम में इस टहनी से भी इसको ग्रो करेंगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। कोई अगर आप, मैं तो ये चाहूँगी आप इसको कटिंग से ग्रो करके देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा होता है। और बात करें कड़ी पत्ते के बेनिफिट्स की, आप जानते हैं इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये खाने में डालते हैं तो उस खाने का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। और पत्तियाँ, इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हमारे विशेष काम आती हैं। और आप ध्यान रखें, इसके जो जब इस पर फ्लावरिंग आनी हो, इसके जो फ्लावर है आप कट कर दीजिए, और इसके ऊपर जो सीड्स बनने लगे आप उनको कैंची से कट कर दीजिए, क्योंकि उसकी अगर हम उनको कट नहीं करेंगे तो ये सारी जो एनर्जी है उनकी उन्हीं फूलों और उनके बीज है उसमें चली जाएगी। तो हमें तो कड़ी पत्ते की सिर्फ पत्तियाँ चाहिए ना, तो इसके लिए आप इसको हमेशा इसकी प्रूनिंग करते रहें, यानी जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो आपको ये कड़ी पत्ता उतना ज़्यादा ग्रो होगा। जितनी आप कटिंग करेंगे ये डबल आपको ग्रोथ देगा। और बात करें इसकी खाद की, खाद के लिए क्या है, आप इसको 15 दिन में एक बार या तो इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए, नहीं तो इसको एप्सम सॉल्ट होता है वो दीजिए, जिसके कारण इसकी जो पत्तियां हैं उसका जो रंग है वो हमेशा ग्रीन रहेगा और इसकी पत्तियां बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। और साथ में ये ध्यान रखिए, इसकी जो मिट्टी है हमेशा मॉइस्ट रहे, सूखी नहीं रहनी चाहिए, गीली रहे, और पानी इसको अच्छे से देते रहें जिससे ये अच्छे से ग्रो होगा। बस आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये पौधा आपका अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी जो पत्तियां हैं, हम चाहते हैं अगर इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे, तो आप 15 दिन में एक बार इसके आसपास जड़ों से दूर फंगीसाइड का आप इसका ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो नीम का तेल 15 दिन में एक बार इसको पानी के घोल में डालकर इस पर छिड़काव करेंगे, जिससे ये इस पर कीड़ा नहीं लगेगा। बस आप इन्हीं बातों का ध्यान रख लीजिए, इससे ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। आशा है कड़ी पत्ते के संबंध में और इसकी कटिंग के संबंध में मेरा एक इसी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, इससे और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। आशा है आपको इस पौधे के संबंध में, कड़ी पत्ते के पौधे के संबंध में मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।